नमस्कार, शाम के 4 बजे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं विद्या। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। कश्मीरी पंडितों पर बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर आमने सामने आ गए। शुक्रवार को दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर इशारों में अनुपम खेर पर निशाना साधा। कहा, वो शख्स जो कभी कश्मीर में नहीं रहा उसने कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ाई शुरू कर दी है, अचानक वो एक विस्थापित नागरिक हो गया है। नसीरुद्दीन के बयान पर अनुपम ने ट्वीट करके जवाब दिया, शाह साहब की जय हो, लेकिन उनके लॉजिक के हिसाब से तो NRI को भी देश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि आज नसीरुद्दीन ने अनुपम पर ऐसा कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। मैं मुझे कुछ नहीं कहना इसके बारे में। नसीरुद्दीन ने मोदी सरकार पर कहा, सरकार के बारे में राय बनाने से पहले उसे कुछ वक्त और देना चाहिए। नसीरुद्दीन ने कहा कि वो पाठ्यक्रम में हो रहे बदलावों को लेकर परेशान है, हालांकि सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है जो देश को अंधेरे में धकेल दे। नसीर ने राज्यसभा में गीतकार जावेद अख्तर के भाषण का समर्थन किया। जावेद अख्तर ने कहा था, किसी को हक नहीं कि वो दूसरे के देश प्रेम पर सवाल उठाए। आज इस विवाद पर अनुपम खेर ने कहा कि उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से बात की है। अनुपम के मुताबिक नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि जब उन्होंने इतने साल तक इस बारे में कुछ नहीं कहा था तो अब क्यों कहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य में सैनिक कॉलोनी बनाए जाने के लिए फिलहाल जगह मिलने से इनकार किया है। विधानसभा में बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि मौजूदा सरकार ने राज्य में सैनिक कॉलोनी बनाने के लिए जगह तलाशने के आदेश दिए थे, लेकिन कॉलोनी के लिए अब तक जगह नहीं मिली है। महबूबा ने कहा कि सैनिक कॉलोनी बाहरी लोगों के लिए नहीं बल्कि राज्यों के लोगों के लिए ही होगी। कहीं लैंड आइडेंटिफाई नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। हालांकि आपने कल कहा कि अगर ये यहां के स्टेट सर्विस के लिए बनाना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं। मैं ये क्लियर करना चाहती हूं, सैनिक कॉलोनी कहीं बाहर के लोगों के लिए नहीं। कांग्रेस ने कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बसाने का विरोध किया है। अप्रैल 2015 में राज्य सैनिक बोर्ड ने श्रीनगर के पुराने एयरपोर्ट के पास सैनिक कॉलोनी बसाने को मंजूरी दी थी। राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल NN वोरा हैं। राज्य सैनिक बोर्ड ने तत्कालीन CM मुफ्ती मोहम्मद सईद से करीब 22 एकड़ जमीन आवंटित करने की मांग की थी। 31 अगस्त 2015 को राज्य सैनिक बोर्ड ने जमीन की मांग बढ़ाकर 44 एकड़ कर दी। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की पूरी इज्जत के साथ राज्य में वापसी का भी भरोसा दिया है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आज शाम इंडिया गेट पर मेगा शो आयोजित किया गया है। विरोधियों ने जश्न पर सवाल उठाए हैं। इंडिया गेट पर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले शो में सरकार के 2 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्री मेगा शो में शामिल होंगे, लेकिन विपक्ष ने देश में सूखे के हालात के बीच जश्न को लेकर निशाना साधा है। Its partners in the government, notably the Shiv Sena, have not joined the celebrations. मोदी सरकार इंडिया शाइनिंग का एक प्लान कर रही है और लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अपने इंटरनल कारणों से या ऐसे कारणों से जो उल्लास नहीं है वो देश के ऊपर क्यों थोप रहे? देश में एक उल्लास है। इंडिया गेट पर 5 घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम को जरा मुस्कुरा दो नाम दिया गया है। कार्यक्रम की लाइव कवरेज के लिए इंडिया गेट पर 20 HD कैमरे लगाए गए हैं। अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए 26 मई से 10 जून तक देश भर में 200 से ज्यादा कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी की गई है। मेघालय दौरे के दूसरे दिन ईस्ट खासी हिल्स जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग अंदाज देखने को मिले। माफलांग गांव में PM लोक कलाकारों से इतने प्रभावित हुए कि खुद ही कलाकार से ड्रम लेकर हाथ आजमाने लगे। इसके बाद PM मोदी ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाया। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद PM मोदी ने लोक कलाकारों के साथ चाय पर चर्चा की। PM मोदी ने कलाकारों की फोटो भी खींची, स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। PM मोदी पूर्वोत्तर परिषद यानी NEC की 65वीं बैठक में शामिल होने मेघालय पहुंचे थे। PM मोदी ने पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बताया है। PM मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति पर जोर शोर से काम शुरू किए जाने का दावा किया। योजना के तहत पूर्वोत्तर में सड़क, रेल, दूरसंचार, बिजली और जलमार्ग को विकसित किया जाना है। PM ने शिलांग में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। PM मोदी ने शिलांग में फुटबॉल स्टेडियम की भी आधारशिला रखी। PM मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की लिस्ट में कर्नाटक से जयराम रमेश और ऑस्कर फर्नांडिस, महाराष्ट्र से P. चिदम्बरम, UP से कपिल सिब्बल,
पंजाब से अंबिका सोनी, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, उत्तराखंड से प्रदीप टम्टा और छत्तीसगढ़ से छाया वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी के ये सब नुमाइंदे चुनकर आएंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट से साफ हो गया है कि पार्टी राज्यसभा में सरकार से बहस के मामले में कमजोर नहीं होना चाहती। फिलहाल राज्यसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इस वजह से सरकार राज्यसभा में जीएसटी बिल पास नहीं करवा सकी। विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह से कांग्रेस के पास कम सीट रह गई है। ऐसे में कांग्रेस अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को ही राज्यसभा में भेजना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम को इशरत जहां और अगस्ता मामले में पार्टी को डिफेंड करने के लिए राज्यसभा भेजा जा रहा है। जयराम रमेश को सुब्रमण्यम स्वामी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।